वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुब्रत जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 7 जून 1995 को लगभग सायं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदोत्तम आज ज्येष्ठ शुक्ला नवमी है। हम सुनते हैं कि जो महेश्वरी जाति है ये महेश्वर नाम भगवान का है, तो महेश्वर की जो जाति हो महेश्वरी महेश्वर से प्रकट हुई है।
तो आज उनका खास दिन है। इस वास्ते माहेश्वरी लोग शाम को 8 बजे वानप्रस्थ आश्रम में सभा करेंगे, उसमें उनका आयोजन है, उसका विवेचन होगा, तो आप लोगों को भी जाना चाहिए। माहेश्वर की कोई भी उत्सव मनावे तो उत्सव में अपने प्रेम से हर्ष सहित सम्मिलित होना चाहिए। आपस में प्रेम बढ़ता है, आपस में स्नेह बढ़ता है, एकता बढ़ती है। ये एकता का जो प्रेम है, इस प्रेम का असर भगवान पर पड़ता है। हम लोग सब आपस में प्रेम रखेंगे तो भगवान पर असर पड़ेगा इसका। मानो हमारा प्रेम भगवान में होगा, ये बात मैंने देखी है। कलकत्ते की बात बताता हूँ, बहुत वर्षों में, वो 60 वर्ष पहले की बात बताता हूँ। सत्संग में अब बहुत आते नहीं आते थे आदमी, परंतु हम लोग एक गीता कमेटी बना रखी थी और उसका नियम पालन करते थे। तो कमेटी में जितने सदस्य 15-20-25, वो सदस्य अच्छी तरह से नियम पालन करते तो गोविंद भवन में उपस्थिति ज्यादा होती, और हमारे नियमों में गलती करते लोग, ठीक नहीं होता तो जनता की उपस्थिति कम होती। अब उनको इस बात का पता ही नहीं, वे हमारी कमेटी में कैसा होता। हमारी वो मीटिंग होती थी, सभा होती थी, उस सभा में दूसरों को नहीं लेते थे, जो सदस्य उनको ही लेते थे, औरों को लेते नहीं थे। तो बात हमारे सदस्यों में ही होती थी, परंतु जब अच्छा उत्साह रहता, नियमों का पालन करते, भजन स्मरण में लगते, तो स्वाभाविक सत्संग में लोग ज्यादा आते, और उनमें नियम पालन में गलती रहती, ढिलाई रहती, तो सत्संग में उपस्थिति कम होती। ऐसा असर पड़ा मेरे पर। इसे सिद्ध क्या हुआ कि अपने आपस का जो प्रेम है, ये प्रेम जनता के ऊपर असर पड़ता है, भगवान के ऊपर असर पड़ता है। हृदय का स्नेह, आपस में एकता, ये बड़ी आवश्यक वस्तु है। व्यवहार का प्रेम मामूली चीज नहीं है। हृदय खोल कर करो, अपने घर में सब सदस्य है, उनका आपस का प्रेम होगा तो आपका समाज पर असर पड़ेगा। अगर आपस में कटपट होगी तो समाज पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। इस वास्ते अगर आप प्रेम चाहते हैं, भगवान की प्राप्ति चाहते हैं, भगवान में प्रेम चाहते हैं, तो मनुष्य मात्र के साथ ज्यादा प्रेम रखो, और मनुष्य नहीं जीव मात्र पर प्रेम रखो। जीव नहीं अजीव है, जिनमें जीव नहीं है, ऐसे पत्थर है, टुकड़ा है, ठीकरी है, पत्थर का टुकड़ा छोटा, उसका भी आप में स्नेह, आप स्नेह करोगे उस पर तो वो स्नेह भगवान में होगा। ये जड़ चीज जो देखते हैं, ये जड़ नहीं है। जैसे इसको देखा कि ये तो जड़ चीज है, मैंने कुछ ऐसे बातें देखी है, देखने में जड़ता है, परंतु ये जड़ता जड़ता नहीं है। मेरे कई बातों का असर पड़ा हुआ है। जैसे किसी सज्जन के पास में एक तूंबी है, और वो तूंबी है, और वो चले गए, मर गए। अब तूंबी का आप निरादर करोगे तो फूट जाएगी, ऐसे मैंने देखा, और उसका आदर करोगे तो ठीक रहेगी। ऐसी जड़ चीजों की एक विलक्षणता है। जब जड़ चीजों की विलक्षणता है तो चेतन की विलक्षणता होगी। जैसे मैंने कहा कि माहेश्वरों की सभा है तो उसमें अपने लोगों को भाग लेना चाहिए। मैं तो विशेष रहती हूँ, जगता नहीं हूँ, परंतु आप लोगों को लेना चाहिए भाग। आप एक बात बताओ, आप ध्यान देकर सुने,
हम जब ये चीजें जड़ है इनके इनमें ममता अधिक रखेंगे, ममता मेरी है ये ममता अधिक रखेंगे और आसक्ति रखेंगे, कामना रखेंगे, तो ये चीज नाराज होगी। अब आप तो जस्ती कैसे ये क्या नाराजी का राजी हो, और ममता नहीं रखेंगे, उदारता रखेंगे और आसक्ति नहीं रखेंगे तो ये चीजें खुश हो जाएगी। उसकी पहचान बता मैं आपको, जो साधु अथवा गृहस्थ ब्राह्मण कोई भी जीव वस्तुओं पर ममता नहीं रखता है, त्याग रखता है, कामना नहीं रखता, उन वस्तुओं का दुरुपयोग नहीं करता, ऐसे पुरुष के पास में वस्तुएं खुली आती है। जो कंजूसी रखता है, दुरुपयोग करता है, ममता अधिक करता है, उसके पास में वस्तुएं कम आती है। आप करके देख लो, मेरे को पूछो तो मैंने तो भुगत भोगी हूँ इसका, मेरे को पता है इस बात का। जितना जितना हम अपने हृदय से त्याग करेंगे, ममता नहीं रखेंगे, आसक्ति नहीं रखेंगे, कामना नहीं रखेंगे, वस्तुओं का दुरुपयोग नहीं करेंगे, सदुपयोग करेंगे, तो हमारे पास वस्तुएं ज्यादा आने लग जाएगी। ये एक सिद्धांत है। जो पुरुष ममता नहीं करता, आसक्ति नहीं रखता, उदारता रखता है, दुरुपयोग नहीं करता, नाश नहीं करता, उसके पास वस्तुएं आती है। ये मैंने देखा है। तो ये जड़ नहीं है, वासुदेव सर्वम है, ये इन पर असर पड़ता है। इस वास्ते सबके साथ स्नेह रखो, भीतर से भगवान के स्वरूप है ये। इस ममता है वो एक भार है, उस वस्तु पर भार हो गया, ये वस्तु नाराज होती है, राजी नहीं होती ममता से। ममता की चीज अशुद्ध हो जाती है, अपवित्र हो जाती है। ये मैंने कई बार बात कही है, मन आज जैसे कही वैसे नहीं कही है, कई बार कही मैंने बात कि जैसे एक कोई सज्जन है अपने रोटी बनाता है, वो रसोई बना हुए वहां साधु अचानक चला जाए तो साधु के भी संकोच होता है भिक्षा लेने में। 15-20 आदमियों की रसोई बनती है तो साधु को संकोच नहीं होगा, अगर उसको देने में भी संकोच होता है, जिसमें भी बन रही है उसमें दे देगा, मगर थाली में परोसने के बाद में देना वाला दे नहीं सकता, लेने वाला ले नहीं सकता। जितनी जितनी आप ममता करते हो उतनी उतनी वो चीज अशुद्ध हो जाती है, जितना दिन का ममता का त्याग करते हो जीव शुद्ध, वो चीज शुद्ध हो जाती। तो ये तो मैंने कहा है, परंतु उस जीव के प्रसन्नता होती है, उस वस्तु के प्रसन्नता होती है, वो हर्षित होती है। आप जितने गए कई बार मेरे मन में आई है वो आज बात कहता हूं। जैसे गीता भवन है, इसमें कल चलती है पाणीरी। पहले पुराने जमाने में गंगा जल होता था, कुएं का पानी, नल का पानी मिलता नहीं था, तब गंगा जी के पाट में कुआं खोदते थे, खाड़ा खाड़ा खोद करके उसमें पानी लेकर टट्टी जाया करते थे। गंगा जी के पानी से टट्टी नहीं जाना चाहिए, तो वो पानी ले जाते थे, जो खड़ा खोलते थे उसमें पानी निकल जाता, वो पानी ले जाते थे। अब कुआ बन गया, नल लग गया, जगह जगह टूटी लग गई, तो अब पानी ढोलने लगे। तो ढोलने लगे तो कई आदमी क्या करते हैं, स्टेशनों पर देखा है और हमने अपने यहाँ पर देखा है कि कुल्ला करते हैं, टूटी खोल दी, हाथ धो रहे हैं, मुंह धो रहा है, टूटी ले रहे कर रहे, और वो टूटी निरर्थक चल रही है। मेरे को ये पूरी लगती है, निरर्थक जल खर्च करते हो, कभी आपको प्यासे मरना पड़ेगा। ऐसे निरर्थक अन्न खर्च करते हो, आपको भूखा मरना पड़ेगा। ऐसे आप नौकर का तिरस्कार करते हो, अच्छा नौकर है तो अच्छा नौकर नहीं मिलेगा, और अच्छा मालिक है नौकर उसका तिरस्कार करेगा तो अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। मानव शरीर है, भजन स्मरण न करके खोदोगे तो मानव शरीर नहीं मिलेगा। जिस बात का दुरुपयोग करोगे वो वस्तु मिलेगी नहीं।
हमारे यहाँ लंदे का एक दिन जो टूटी खुली है वो खुला कर पड़ा मुंह धो रहे वो पानी घर धो रहा है, उसी दिन से उसको बंद कर दिया, जाकर देख लो वो बंद हो गई। आप देख लो सदा खुली रहती थी, उसको मैंने बंद कर दिया। ये दुरुपयोग करो हमें नहीं सुहाता है, ऐसे आप लोगों से कहना ऐसा दुरुपयोग करते हो पानी का, वो अच्छा नहीं है, पानी मिलेगा नहीं। वो पानी यहाँ जाता है वो जंगल में फेंक दिया जाता है, वहां से नाला बन करके गंदा नाला आकर गंगा जी में गिरता है। तो वो आप अधिक ढोलते हो ना, इस बात से वो खर्च नहीं होता जंगल में भी, आज गंगा गंदा मिलता है। आप अगर निगाह रखो, जितने भाई बहन है आप सबके सब के अपने हाथ में पानी धोया जितना जरूरत है उतना ही, यानी कुंडी खोल दे, अब कुंडा कर रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, कुंडी चल रही है, ये बहुत अन्याय है। ऐसे जल खर्च करते हो तो जल की तंगी आपको भोगनी पड़ेगी, कब भोगनी पड़ेगी इसे पता नहीं है, परंतु दुरुपयोग का फल अच्छा नहीं होगा। ऐसे किसी वस्तु का भी दुरुपयोग मत करो तो वैसे जल आपको मिलेगा। ये जो भगत भगत पानी नहीं मिलता है, कारण क्या है कि आप दुरुपयोग करते हो पानी का। अन्न नहीं मिलता है तो अन्न का दुरुपयोग करते हो, मनुष्य शरीर नहीं मिलता है मनुष्य शरीर का दुरुपयोग करते हो, संतों का महात्माओं का संग नहीं मिलता है तो उसके संग मिलने का दुरुपयोग करते हो, दुरुपयोग करते हो तो भगवान हाथ खेच लेते भाई इनको मत दो। जो सदुपयोग करोगे जो ही अपने तत्परता से लोगोगे जो ही भगवान के यहाँ से चीजें आवेगी, महात्मा आवेगा, संत आवेगा, शास्त्र आवेगा, बहुत चीजें आवेगी, तो आप उसमें प्रेम रखोगे, स्नेह रखोगे, एक एक का भला चाहोगे, एक एक का आदर करोगे, तो आपका जीवन बड़ा शुद्ध निर्मल हो जाएगा। और तिरस्कार करोगे, अपमान करोगे, ममता आदि करोगे, वस्तु खराब हो जाएगी। मैंने दृष्टांत दिए हैं, हंसदास जी बाबा की बात सुनाई हुई बात, जिसमें पैसा इकट्ठा किया उसकी रसोई बनी, रसोई में मुर्दे की गंध आने लगी, खा नहीं सका कोई, ऐसी चीज अशुद्ध होती है ममता अधिक करने से, और ममता छोड़ने से शुद्ध होती है। मर जाता है कोई आदमी तो मरी हुई चीज को बच्ची को लेना नहीं चाहते, परंतु संत का तेरी शरीर शांत हो जाए तो उसके टुकड़ा चाहते कि इतना कपड़ा हमारे को मिल जाए, हम रखेंगे अपने पास, पूजा में रखेंगे। तो मरना तो एक ही है, वो मर गया तो क्या, दुष्ट मर गया तो क्या, पर संत मर जाते ममता रहित होने से चीज शुद्ध होती है, और ममता अधिक करने से चीज गंदी हो जाती है, वो उच्छिष्ट हो जाती है, दूषण हो जाती है, अपवित्र हो जाती है। तो प्रेम रखना है हृदय से, सबके साथ स्नेह रखना है, ये हमारा कल्याण करता है, दुनिया का कल्याण करता है। इस वास्ते उदारता हृदय में रखो, जड़ चीजें इनका दुरुपयोग मत करो, गलत रीति से इस्तेमाल मत करो। गलत रीति से करने से अपने को कष्ट उठाना पड़ेगा, अपनी भोगी से अपने को दुख होगा। जब कोई शांत हो गया तुम भी बची, तुम भी का आदर सत्कार करो तुम भी रहेगी, निराश करो तुम फूट जाएगी, ऐसे मैंने देखा है। अब तुम कोई समझ नहीं थोड़ी है, उसको समझ है क्या, पर होता है ऐसा, ऐसे मैंने देखा है। इस वास्ते हर एक चीज वस्तु का भी आदर करो, ऐसे जल है उसको खराब मत करो, नष्ट मत करो, नष्ट करने के लिए नहीं है, सदुपयोग करो। हमारे साधनों में तो कहावत है एक, खाओ मन पर छोड़ो मत कण, दूसरे मत छोड़ो। लोग दूसरे छोड़ते हैं और वो अभिमान में आकर के कि हम सब खा लेंगे तो लोग समझे दरिद्री है, तो हमारे को दरिद्री नहीं समझ रहे। पिस्ता की और बिदामा की बर्फी को दूध छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ेंगे तो लोग हमारे कंगला समझेंगे। इस सभ्यता के कारण से ऐसी दशा हो रही है आज, मैंने देखी। तो ये आपकी उदारता क्या काम आई, जो चीजों का इस्तेमाल करते हो गलत रीति से, दुरुपयोग करते हो, ऐसा दुरुपयोग मत करो, हर एक चीज का ठीक दुरुपयोग करो तो ठीक है। क्या सुना कि नहीं, खाओ मन मन छोड़ो मत करो, उसी कर दो मन भर कर लो, कोई परवाह नहीं, पर टूटी क्यों छोड़ते हो, निकल में जाओ, चीज वस्तु खराब हो जाए तो खराब वस्तु मत करो।
अब इस बात को आज की सभ्यता जनता बोलेगी कि अद्री तो गर्दा है। हमारे साधुओं बीती हुई बात में नाम नहीं बताता हूँ, मैंने कहा कि भाई चीजें खराब मत करो, तो मेरे को उत्तर मिला कि मैं तो ऐसा कार दे सको नहीं, यह तो भूखा मिलोड़ा को नहीं, मैं कार दे सको नहीं ऐसा। अब मैंने देखे था कार दे छोड़ा है भूखा मजूड़ा हो थे, और मेरे सामने कहो कि मैं ऐसा कार दे सको नहीं, भूखा मिलोड़ा को जो खा दिन खा के पड़े पड़े, ये मेरे को खुद को जवाब मिला है। तो अभी कहां तक ठीक, आज की सभ्यता ठीक समझेगी कि ये कंजूसी करता है, कंजूसी नहीं है, था ठीक तरह से करो, निकमा निकमे चीज क्यों खराब करो, काम करो तो निकमे चेष्टा करके करते हो, खर्च वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, वस्तु निकमे काम खर्च अच्छी नहीं लगती, सहायता करते वो मेरे को अच्छी नहीं लगती, मेरी सहायता से मैं दुखी होता हूँ, तो मेरे को इतना कमजोर है आपने समझ लिया, इतना कमजोर मैं नहीं हूँ, शरीर कमजोर है ये बात सच्ची है, पर इतना कमजोर थोड़ा जितना आप समझते हो, आप ज्यादा करते हो, कहता हूँ मैं मत करो ऐसे, मेरे साथ ऐसा होता मत करो, तो करते हैं ये करते हैं कृपा करते हैं सहायता करते, तो इस वास्ते आप लोगों से कहता है प्रेम रखो, ये प्रेम के विषय में बात बताई तो अभी माहिरों की समाज होगी सभा होगी, उसमें अपनी प्रसन्नता से मैं कोई दबाव नहीं डालता हूँ, मैं तो एक सभ्यता की सरलता की सज्जनता की मनुष्यता की बात करता हूँ, आपस में सस्नेह रहे, प्रेम रहे, एकता रहे, अपनी तरफ से वे रखे न रखे, कर्तव्य मनुष्य अपना ही पालन कर सकता है, दूसरे कर रहे हाथ की बात नहीं है, मेरे साथ कितना करता बर्ताव करते हैं, मैं जोर से बोल देता हूँ धीरे भी बोल देता हूँ, परंतु आप छोड़ते नहीं, एक बात भी आप मानते नहीं पूरी कि गर्भपात की ओर रोटी मत दो, वह भी आप करते नहीं है, अब क्या करूं बताओ, वो देखो स्वामी जी रोटी खा ले तो हम निहाल हो जाएंगे, तो स्वामी जी को नरका में लगाओ आप भी जाओ, क्या फायदा निकलेगा, कितना महान पाप है, उस पाप को कहने पर आपके जूं भी नहीं रहेंगे, विचार ही नहीं होता, कुछ भी मामूली जी समझते हैं, आजकल की छोरी जाकर पीर जाकर कर गिराया, ये नहीं सोचते कि बड़ा भारी पाप है, संयम रखो, पहले संयम रखो, संयम तो आप रखते नहीं और फिर गर्भ जाते हैं, बहुत बड़ा पाप करते हैं, इस वास्ते सोचो कम से कम मेरे तो मेरे साथ तो विश्वासघात मत करो, मैं तो किसी के साथ मत करो, पर मैंने क्या अपराध किया जो मेरे साथ विश्वासघात करो, सावधान हम पंचायत ही पड़ जाए, क्या करें, भिक्षा लेनी पड़ती है आपकी, मेरे को पता है नहीं, तो ऐसा धोखा मत दो, पर शांति से अच्छी तरह से व्यवहार करो, हरेक सज्जनता रखो, तो जिनसे लोग पढ़ लो दोनों सुनेगा, नारायण 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 नारायण। अब पूछो भगवान में प्रेम कैसे हो, भगवान में प्रेम तब होगा जब नाशवान में प्रियता है, आसक्ति है, कामना है, वासना है, ममता है, तब परमात्मा में प्रेम कैसे होगा, कबीर मनवा एक है भावे जहाँ लगाए, भावे हरि की भक्ति कर भावे विषय कमाए, भगवान में प्रेम करना चाहते हो तो जिनको आप नाशवान समझते हो उनके साथ स्नेह मत करो, उनकी सेवा करो, उनका सदुपयोग करो, मगर उनको महत्व मत दो, उन ममता आसक्ति कामना आशा तृष्णा नाशवान चीजों पर मत करो, तब भगवान प्रेम होगा, प्रेम करने को भगत नहीं मिलता, आप संसार की ममता के आसक्ति और कामना के अगाड़ी प्रेम कहाँ हो, कैसे हो, कब हो बेचारा, प्रेम भगत नहीं मिलता, सब समय और मन के लिए खर्च कर दिया, बोलो हमारी जीव जैसे सुंदर और पीछे रसों को पसंद करती है युवा, फल खाने के लिए जीव तो समझाना भी नहीं पड़ता, पर राम राम करने के लिए समझाना पड़ता है, तो जीव को राम राम भी इतना ही मधुर लगे ऐसा संभव है क्या, ऐसा संभव है भाई,
ऐसा संभव मैंने देखा है और सुना है। अपने आपने सुना होगा चैतन्य महाप्रभु के सत्संगी थे तो वो टट्टी जाते तो राम राम करते थे, शिकायत करी मना टट्टी जा राम राम करता है, फिर तो महाराज कहते ऐसा मत किया करो, तो टट्टी फिरते जीप पकड़ी हुई, कहते महाराज टट्टी बता जीप पकड़ी हुई है, जीप पकड़ता है तो महाराज क्या करो, आपने कह दिया नहीं नाम नहीं जपता, अब जब छूटती नहीं मैं क्या करूँ, इस बात में पकड़ लेता हूँ, कैसा मत किया करो सरकार छोड़ दो, तो ऐसा मिठास आता है वो छोड़ सकते नहीं, उनके हाथ की बात नहीं है, ये जब तक लगती नहीं है तब तक ऐसा है ऐसा नहीं संभव है, ऐसा संभव है। देखो सच्ची बात लग जाने पर कच्ची बात ठहरती नहीं, मैं कच्ची का महत्व देने के कारण से सच्ची बात लगती नहीं, ये बात ऐसा होता है जब नाम छूटता ही नहीं, नींद में नहीं छूटता, बेहोशी में नहीं छूटता, मूर्छा अवस्था में नहीं छूटता, ऐसी बात मैंने सुनी है, इस बात तो होता है। आप जड़ता को छोड़कर चिन्मयता में पहुंचे नहीं है तब शंका होती है। मैंने एक उदाहरण दिया था फूला सिंह जी, फूला सिंह जी एक सज्जन थे पंजाबी, गाया चराया करते, पढ़े लिखे नहीं थे, एक पंडित ने उनकी जीवनी लिखी है, कल्याण में आई थी, मैंने पढ़ी है, वो कहते हैं कि मैंने ऐसा कहा कि योग दर्शन में लिखा है कि सत्य प्रतिष्ठायां क्रिया फलाश्रयत्वम, जिसकी सत्य की प्रतिष्ठा हो जाती है वो सत्य ही सत्य बोलता है, तो उसके जबान से जो बात निकलती है वैसी हो जाती है, तो ये बात कैसे है, तो ये पुस्तक में लिखी है, ये बात पुस्तक में लिखी है क्या, ये तो आचरण में आने की बात है, तो कहते वो जो कहता है जो सच्ची हो जाती है ये बात ठीक है, तो कहते ठीक है। अब मैंने जो उत्तर दिया बिल्कुल अपढ़ फूला सिंह जी ने, वो पुस्तक में नहीं है, वो व्याख्या पुस्तक में नहीं है, उसने कहा कि सत्य बोलते बोलते सत्य की प्रतिष्ठा हो जाती है तो बात होने वाली है वही निकलती है, नहीं होने वाली निकलती ही नहीं। अब ये व्याख्या मैंने सुनी नहीं पुस्तक में, अपडाज में कहा कितनी भी बात गई, तो जिसके अनुभव है उनकी बात विलक्षण होती है, पुस्तक में शब्द नहीं मिलती, करते मिल जाएगी, किस वास्ते ऐसा होता है, हो सकता है आपके हमारे हो सकता है, हम सत्य हृदय से लग जाए तो हमारे ऐसा हो सकता है, जो जिह्वा है वो भगवान नाम में लग जाए, यजुर्वेद सारगे सर्वदा मधुर प्रिय राम नाम पीयूषम, क्या भगवान नाम कृष्ण नाम खीर खांड घोर घोरती, ऐसा है भगवान नाम मीठा है, पर मीठा तब लगे जब आप भजन में लग जाओ, जिह्वा खराब होने से मिश्री कड़वी लगती है, मिश्री कड़वी होती है पित्त के जोर से मिर्ची ऐसी नहीं लगती, पर शांत हो जाए मिट्टी लग जाएगी, ऐसे सत्य हृदय से लग जाओगे तो जिह्वा छोड़ेगी नहीं नाम को, क्योंकि हित अनित पशु पक्षी हो जाना, पशु पक्षी भी अपना हित अनित जानते हैं, जिसमें हित होगा कैसे छोड़ोगे, मनो मन से भगवान का भजन कर, हृदय से ऊपर दिखावटी पन रहना पद में आया है, घर में रखे मारा रखे ना विधवा कह रो झागर जो लटक रहे हो बड़माए, ये विधवा झागरों पहन रहे जो माड़ा फेरी लटके कोई तो क्या फायदा हो, नाम जपो भगवान से माला जपो तो मन की माला फेर दो, ऊपर की माला नहीं है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि ऊपर की माला मत फेर, ऊंधा मत करता महाराज, कृपा करके कृपा नाथ ऊंधा अर्थ मत लेना, अर्थ सुंदा है कि आप मन लगा कर जप करो भगवान में, भगवान नाम का जप करो तो मन लगा कर आदर से करो, ये नाम
3.5 करोड़ नाम जपने से एक रोमावली होती है, ऐसी रोमावली जी माला माताएं करती थी, मैंने देखा है। दोनों हाथ में माला, राम 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 राम, एक मुझे राम 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 राम, ऐसे एक माला हो गया, 108 माला की एक पक्की माला, एक माला ऐसी पक्की माला पी, जैसे वो 3.5 करोड़ रोमावली की माला हो जाती है। इस वास्ते भगवान नाम का जप करने से बड़ा महत्व होता है, बड़ा फायदा होता है, करके देखो। ऐसे हरे राम का 3.5 करोड़ मंत्र के जपने से पापों से तर जाता है, ये कलश चंद्र रूप में सदमे लिखा है। दास बोध में वो याद नहीं पड़ा हुआ, सुना है कि लिखा 92 करोड़ नाम जप करने से भगवान का साक्षात्कार हो जाए। दास बोध है समर्थ रामदास बाबा का, उसने ऐसी बात सुनी है, ऐसे संतों ने लिखा कई जगह। तो वो संख्या की अपेक्षा प्रेम की ज्यादा महिमा है, आदर और प्रेम से किया जाए तो बहुत जल्दी उन्नति होती है। क्या बाबा ने 13 करोड़ लिखा, 13 करोड़ कितनी बड़ी बात है, तो 13 करोड़ नाम से हो जाए। 13 करोड़ की जरूरत नहीं है प्रेम हो तो, और प्रेम नहीं और करो मशीन की तरह करो तो 13 करोड़ हो जाए, मेरे विश्वास नहीं होता है। संतों की वाणी पर विश्वास करना चाहिए। बिल्कुल है, नींद में होता है, मैं देते जाता हूँ। छूता ही सुमन करे राधी माई राम, दुनिया दूध साधन वही काम। छूता ही सुमन करे राधी माई राम, राधी माई राम, दुनिया दूध गुण साधन वही काम। और कौन काम बोलता हूँ, गायत्री मंत्र तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन जाति के लिए, वो भी शुद्ध होकर के जप है। राम नाम तो जाट भजो गुजर भोर भाव भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सबका उकाशी। एक बात और है, ऊंधा मत करना, आप कृपा करना उल्टा अर्थ मत करना। ब्राह्मण है गायत्री का जप करता है तो उसमें ब्रह्म तेज आता है, साथ साथ अभिमान बढ़ता है, और भगवान नाम जपने से अभिमान मिटता है। इस अर्थ ये नहीं गायत्री न जपे, अभिमान न करे, ये अर्थ करना ही। ब्रह्म तेज होता है, वो साप दे दे वरदान दे दे तो बड़ा ही होता है। तो गायत्री जप में बड़ी शक्ति है, ताकत है। जैसे खोआ होता है तो वो पचाना मुश्किल होता है, दुख लुट के फंस जाए, ऐसे गायत्री मंत्र है ठीक अच्छे ब्राह्मण हो कुवित और जपे तो उनको पचाना पड़ता है, नहीं तो ये हो जाता है। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तेज बढ़ेगा अभिमान बढ़ेगा। देखो भाई, गायत्री मंत्र संध्या ये टैक्स है। ब्राह्मण के घर ब्राह्मण क्षत्रिय वेश के घर जन्म ले लिया और जिन्हें वो लेनी चाहिए और जिन्हें वो लेकर के संध्या गायत्री करनी चाहिए, नहीं करे तो दोष लगता है। ये टैक्स है, कोई बढ़िया चीज नहीं है ऊंची। दूसरी जाति को करने की जरूरत नहीं है, बहन माताएं तुझे सज्जन राम राम करो, गायत्री से कम नहीं रहेंगे, उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाएगा। नीच नीच सब तर गए राम बदन लो लीन, जाति के अभिमान से डूबे सभी को लीन। जाति के अभिमान से पतन होता है, सर सीधे हो राम राम करो, बहुत बड़ा भाई काम होगा। गायत्री वाले से तेज हो जाएगा, गायत्री वाले विधि से करते वे भी तेज हो जाएंगे। अपने अपने ठीक तरह से करो, वहाँ बहुत तेज हो जाएंगे, अपनी जगह चाहे वहाँ। इस बार राम नाम खुला है, छोटा हो बड़ा हो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो अंतज हो कोई ज्ञान हो, भगवान के नाम जपने में सबका अधिकार है। सब बड़े संत महात्मा हो जाते हैं, पूजनीय हो जाते हैं, आदरणीय हो जाते हैं। कबीर साहब हुए, भजन करने वाले कितने हुए, संत मत में चक्रवर्ती हुए वो। रामानंद जी ने कहा कि मंत्र नहीं देता तुम मुसलमान हो, तुम्हारा मंत्र नहीं दूंगा। वे जाते थे काशी जी स्नान करने के लिए, अंधेरा था, सो गए, ठोकर लगी, राम 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 राम, किसी ठोकर लगी भाई, बस मंत्र मिल गया,
रामानंद जी महाराज से, तो रामानंद का भले कबीरा, मामूली कबीर जो संत बड़े भारी संत हुए महात्मा, मंत्रियों मिला। तो भाई भजन करने से होता है वो सब शक्ति आ जाती है। कबड़ी कहती इतनी कथनी कथी देती बेलू रेत कविता कथनी करनी कहते ऐसे एक संत हो गए नाम नाम जपने से। रामायण जी महाराज एक शिष्य हो गए, वो कहते हम शिष्य करते ही नहीं, ठोकर दागी संतों की संतों ने ठोकर खाई, फिर बाकी क्या है बताओ। लोग कहते हैं संतों की ठोकर नहीं खाई है, नहीं तुम्हारी ऐसी दशा नहीं होती। जन साधु सुबह नहीं है, रामायण माया है, के कई को आदि दोष देते हैं वो सत्संग नहीं किया, सत्संग करते तो दोष नहीं देते। साधु सभा नहीं है, साधु सभा देखी नहीं, साधु सभा करते तो साधु अगर सत्संग करते तो ऐसी बुद्धि नहीं रहती, दोष दृष्टि नहीं रहती। तो सत्संग से बहुत लाभ होता है, मुफ्त में लाभ होता है, बिना कमाए धन मिलता है गोद जाने पर, कमाने पर लखपति होना कठिन, गोद जाने में क्या जोर है कल कगला राज लखपति। ऐसे सत्संग के द्वारा बहुत लाभ होता है, विशेष लाभ होता है, थोड़ी देर में बहुत मार्ग में अच्छी अच्छी बातें मिल जाती है सत्संग। तो सत्संग एक बहुत बड़ा भाई है, भरा सत्संग का दरिया नहारो, जिसका जी जाए कोई ना, हजारों रत्न बेकीमत भरे आला से आला है, लगा कर ज्ञान का गोता मिला लो जिसका जी जाए। सत्संग बहुत बढ़िया बात है, संत सभा का दुर्लभ भाई, बड़े लाभ भगवान के नाम से। मैंने पुस्तकें देखी है संस्कृत की हिंदी की संतों की वाणी की, ज्यादा नहीं देखी, मैंने देखी उसमें एक तो भगवान नाम की एक सत्संग की, दो की महिमा जितनी मिली है और की नहीं मिली है। आप बताओ भाई, आप इतने बैठे हो सत्संगी हो भजन ध्यान करने वाले हो, मेरे को दो की महिमा ज्यादा मिली, एक नाम जब फिर एक सत्संग। आप बताओ, तीसरी बात बताओ आप, मैं तीन कड़ा शुरू कर दूंगा, अब दो कड़ा करता हूँ, कोई तीसरी बात बताओ। मैंने दो की महिमा बहुत ज्यादा सुनी, तो नाम की महिमा सत्संग की, नाम की महिमा बहुत सुनी, नाम हरदम रात करते ही रहो विलक्षण तो आ जाएगी, मन लगाकर प्रेम से आदर से करोगे तो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी। एकांत बैठ कर और मैं विधि बताता हूँ, एक नाम जप की, अगर आप कोई करना चाहे तो मैं तो मेरी बारी निकाल दूंगा भाई, तो करा लो आपकी मर्जी। भक्तों के चरित्र ले लो, एकांत में जो घंटा डेढ़ घंटा समय है उस समय भक्तों के चरित्रों को पढ़ो, पढ़ते पढ़ते जहाँ आंसू आने लगे, हृदय गदगद हो जाए, प्रेम आने लगे, वहाँ पुस्तक छोड़ दो, भगवान नाम का जप करो, कीर्तन करो, भगवान से प्रार्थना करो, और जपते रहो मन लगा करके, फिर आंसू सूख जाए, चित्तवृत्ति बाई हो जाए, तो जहाँ पढ़ने से उसे एक दो पन्ना पीछे से पढ़ो, पढ़ते पढ़ते वहाँ आते ही ऐसे दशा हो जाए तो फिर पुस्तक छोड़ दो। पुस्तक पढ़ना नहीं है, पुस्तक पढ़ना लगना है मन लगाने के लिए, जब मन लग जाए तब उसमें स्मरण करो जब करो, ऐसे करके देखो आप महीना दो महीना छह महीना इस तरह से करो, घंटा डेढ़ घंटा बैठ करके करके देखो, लाभ जरूर होगा। और करके देख लो और विचार करो कि लाभ होने की बात है कि नहीं, आपने जस्ती है कि नहीं, तो मन लगा कर नाम जब एक जरा बात में सैकड़ों हजारों गुना अधिक लाभ होता है। प्रेम से अपनापन से प्रभु के नाम को बड़ो महत्व देते हुए इस वास्ते गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानन, गुप्त अकाम बिना कम उक्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानन आदर चुत जब से तुरंत पावत परमानंद। सब आता है नाम जप में छह बातें हैं,
एक तो गुप्त रखो, लोगों में प्रसिद्ध मत करो, एक निष्काम भाव रखो, कामना में नाम को बेचो मत, एक निरंतर करो, बीच में खाली समय मत जाने, और एक ध्यान सहित नाम का ध्यान करो, चाहे भगवान के स्वरूप का ध्यान करो, मन लगा कर करो, एक आनंद बनाओ, नाम जप है जब मन में खुशी मनानी है कि भगवान की कितनी कृपा हो गई जो नाम जप मैं कर रहा हूँ, ऐसे आनंद सहित करो और उसको आदर करो। नाम ये मामूली चीज नहीं है, ये भगवान की कृपा से है। भगवान शंकर जपते हैं, शेष पयाला होते है, पाताल में आनंद हजार वालों जिब्बा 2000 थे, 2000 जिब्बा राम राम करते है, तो ऐसे सब करते है। वो भगवान का नाम राम नाम पुन, तुम पुन राम नाम दिन राती सादर जब अनंग हराती, भगवान शंकर की रात दिन राम 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 करते कहा हम, वो भगवान शंकर जी का जब वो हमारे को मिल जाए ये कोई भाग्यशाली की बात है, परंतु इसमें अल्पवत श्रद्धावत हम श्रद्धावत नहीं हो जाए थे। बताया है कि वैष्णवे संत महात्मा वैष्णवे भगवत भक्तौ प्रसादे हरिनाम नीच अल्प पुण्य बताम श्रद्धा यथावत नहीं जाए थे। वैष्णव भगवत भक्ति प्रसाद में हरिनाम में जिनके पुण्य थोड़े है उनकी श्रद्धा नहीं होती, पुण्यशालियों की श्रद्धा होती है। संत महात्माओं में वैष्णव भगवत भक्तों भगवान की भक्ति में और प्रसाद भगवान के प्रसाद में हरिनाम नीचे भगवान के नाम में श्रद्धा हो जाए तो मेरा पार हो जाए। परंतु कहते अल्प पुण्य बताओ श्रद्धा यथा बननी हो जाए, जिनके पुण्य कम है ऐसे जिनका भाग फूटा हुआ है उनकी श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा हो जाए तो समझना चाहिए भगवान की बड़ी भारी कृपा है, हमारा कर्म भी अच्छा है, तो भगवान के नाम में प्रेम हो गया, संत महात्मा में प्रेम हो गया, भगवान की भक्ति में प्रेम हो गया, भगवान के प्रसाद में प्रेम हो गया, तो समझना चाहिए भगवान की कृपा है। अजपा जाप स्वतः जाप हो, अजपा जाप का मतलब है श्वास जो चलता है ना, उस श्वास के साथ में जप करना, सोहं हं सा सोहं ऐसे श्वास जाते में सो हं छोड़ते भी सो हं सो हं ऐसे श्वास के साथ में कुछ मेहनत करके लगा दो, वो लगने के बाद में श्वास के साथ में जप शुरू हो जाएगा, वो अजपा जाप है, बिना जप के जाप होता है स्वतः स्वाभाविक। ऐसे नारी जप है, नारी कट के साथ नाम जप करो, ऐसे किसी तरह से आप रात दिन भगवान के नाम में लगा दो तो वो अजपा गायत्री होती है। अजपा ही आप आज सहज स्मरण हो, सहज स्मरण हो स्वतः स्वाभाविक होता है, जैसे ठेला होता है सड़कों पर ले जाने वाले ठेला देखा है आपने, दो चेहरा चढ़ जा रहे, दो आदमी पीछे उसको पटरी पर चलते हुए धक्का दे धक्का चढ़ चढ़ जाए, फिर घर 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 बेग से ही चला जाता है, ऐसे बेग से बेग से करना नहीं पड़ता, फिर सब पहले करना पड़ता है, करके वो शुरू हो जाता है, फिर चल पड़ता है, ऐसा अभ्यास होता है। तो भगवान के नाम करने से नाम जपने से सब ठीक होता है, बिल्कुल स्वाभाविक होने लगता है, स्वतः होने लगता है, प्रियता होती है, प्रियता में परमात्मा प्राप्त होते हैं, और वो महत्व धरे। और बोलो क्या कह भगवान से बात करते हैं, ऐसा हमने सुना है। गलत गप बात, लोगों में एक गप मारने की आदत पड़ गई, अब कोई समाचार मिल गया, मेरे को तो पता ही नहीं, अरे समाचार मिल गया, झूठ बोलते, कोई आदत नहीं, ये मेहमा खाना चाहते हैं बोलते हैं झूठ, जो पूछे तुम्हारे किसने मालूम पड़ा, पूछो किसने कहा, समझ नहीं कहा था, मैंने कही नहीं कभी किसी को,
क्योंकि मेरे भगवान दर्शन होते हैं, बात करते हैं, फिर भगवान से ही बात करेंगे, आपसे क्यों करेंगे। आप भी माता पति क्यों करें, भगवान से करेंगे, मौत से। तो आपसे बात कर रहे हैं तो आनंद आता है, आप बात सुनते हो, बात करते हैं। वासुदेव सर्वोदय, आपसे बात भगवान से करते हैं और किससे करते हैं बताओ, बात तो सब भगवान से ही करते हैं, आप किससे करते हैं, आप भगवान से ही करते हैं, आप मानते नहीं है, करते तो भगवान से ही है, और किससे करते बताओ, कौन आया, कहाँ से आया, अरे कौन आया दूजा, अरे कहाँ से आया बताओ, ठिकाना बताओ। भगवान ही है, साले रूप से आए हैं, तो हम तो सुधा भगवान के साथ बात करते हैं सभी, बोलो भगवान के साथ बात कौन नहीं करता है, वासुदेव सर्वम, तो सब भगवान से ही बातें करते हैं, भगवान के साथ खेलते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, हम तो आप संसार से जाते हो जाते हो पत्थर में जाते हो, भगवान के साथ रहो, हरदम भगवान से बात करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के साथ खेलते हैं, भगवान के यहाँ भोजन करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के जनों के साथ रहते हैं, हम निहाल हो जाओ, केवल भावना बदल दो तो भगवान तो है ही, ये तुम धारे जगत, ये अपना परा प्रकृति जगत को धारण कर रहे, जगत तो धारण किया है आपने, जगत तो है नहीं, ना भगवान की दृष्टि में जगत है, ना महात्मा संतों की दृष्टि है, आपने जगत को धारण कर रखा है तो क्यों धारण करो, कैसी बढ़िया बात है, हो गया।